एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराधी
नियो मिलिट सरकार सरकार के कार्रवाई के द्वारा उसको पकड़ा गया, इस द्वारा उसको पकड़ा गया। जब इसको न्यायालय में पेश किया गया मच्छर गुलामी को, तो न्यायालय में पेश किया गया तो वहाँ पर पाया गया कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं। फिर उसे एक हॉस्पिटल में उसको रख दिया गया कस्टडी, और भी पुलिस वालों की कस्टडी भी, उसकी वही इलाज चलता रहा। उस इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दो बार सरकार को बताया 1996 सरकार में कि इसकी तबीयत अब सही हो गई है, इस पर अब न्यायालय की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सरकार की ओर से या न्यायालय की ओर से इस बारे में कोई खबर नहीं आई। इस प्रकार से मच्छर लाहौर को 54 साल तक जेल में, अस्पताल की जेल में रहना पड़ा। उसको कोई तारीख ही नहीं दी जा रही डॉक्टरों के बताने के अनुसार। फिर भी इसके बाद मानवाधिकारों का एक समूह या सामाजिक वैज्ञानिकों का एक समूह जब जेल में पहुंचा, जेल का सर्वेक्षण किया, तब वो मच्छर लाहौर से मिले, तब जाकर के उसकी रिहाई हुई। तब वो सूचा इस प्रकार से 54 साल उसको लगे जेल में। तो ये स्थितियाँ हमें ये बताती हैं कि मनुष्य के अधिकारों का हनन होता है, और वो अपने अधिकारों का हनन जब होता है तो उसके लिए एक रूप रेखा है कि वो उसकी तबियत करें, शिकायत करें। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अधिकारों को घोषणा, अधिकारों का घोषणा पत्र। भारतीय संविधान में अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। हम बात करते हैं कि अधिकार कैसे होते हैं, किस प्रकार के अधिकार होते हैं, अधिकारों से क्या होता है। तो अधिकारों से हमारा जो जीवन होता है वो एक व्यवस्थित होता है, हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं अधिकारों के द्वारा। और कोई व्यक्ति हमारे आज़ादी या स्वतंत्रता को छोड़ नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, हमें रोक नहीं सकता। तो ये अधिकारों का एक दूसरा पद है भारतीय संविधान के अनुसार, या हर उस राष्ट्र के संविधान के अनुसार अनुसार जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है वहाँ पर ये अधिकार प्रदान किए गए हैं लोगों को जाते हैं। तो वाले अधिकारों का घोषणा पत्र होता है, हमें घोषणा पत्र के अनुसार हम जानते हैं कि कौन कौन से अधिकार हमारे पास है या हमें दिए जाते हैं या बाकी नागरिकों को या किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। अब हम जाने तो हमने घोषणा पत्र जाना, घोषणा पत्र में लोगों के अधिकारों के बारे में, उनके हितों के बारे में भी बताया गया है। अब भारतीय संविधान हमारी जो स्टैंडिंग है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार क्या है? मनुष्य की दैनिक स्थिति को सुधारना, उसके हित में कार्य करना, उसकी मांगों के अनुसार कार्य करना, उसकी रक्षा करना, इसके उद्देश्य के लिए जो उनको अधिकार चाहिए उन्हीं को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो 1918 के मोतीलाल नेहरू ने जब भारत अंग्रेजों के का गुलाम था तो उस समय मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक समिति बनाई थी। अब अंग्रेजों से उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की मांग की थी, यानी ऐसी अधिकार मांगे थे उनसे उस समिति के अनुसार कि लोगों का जीवन अच्छा हो सके, जहाँ पर लोगों की आज़ादी ना छीने, कोई अंग्रेज उनको रोके ना, ये उसकी एक रूपरेखा बनाई। वही आगे चल करके हमारे संविधान में उसी समिति के कुछ बिंदुओं को भी दिया गया और हमें मौलिक अधिकारों का एक रूपांतरण मिला, हमें एक रूपरेखा मिल गई। जैसे मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों के समक्ष मांग रखी थी कि लोगों को अपने बोलने चलने, अपने धर्मों को अपनाने या कोई व्यवसाय चुनने आदि इस तरह के अधिकारों की उन्होंने मांग की। अब हमारा जो संविधान के अनुसार जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है उसके बारे में अगर बात करें तो हमारी समता का अधिकार, जिसका समता का समता मतलब क्या, हम ऐसे कह लें बराबरी का अधिकार, क्या बराबरी का। हम भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोगों को समता का अधिकार प्रदान किया गया है,
चाहे वो किसी गंध का हो, दर्द का है, वर्ण का हो, या किसी भी प्रकार से वो अलग हो, उन सबके लिए समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, समता का अधिकार प्रदान किया गया है, बराबरी का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अनुसार जैसे हम उदाहरण से समझना चाहें तो जैसे आप किसी गांव में पहुंचो, आप एक उच्च जाति से बिलोंग करते हो और आपका दोस्त यानी छोटी जाति से बिलोंग करता है, तो आप जिस स्थान पर गए हो वहाँ के लोगों ने तुमसे तुम्हारी जाति पूछी, तो तुम्हारे साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया, और जो दोस्त तुम्हारा है उसकी जाति छोटी है तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया, ये हमारे इन दोनों के बीच में असमानता हो गई हमारे और दोस्त के बीच में, ये लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसे हम बात करते हैं जब हम किसी होटल में खाना खाने जाएं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, किसी अच्छे धार्मिक स्थल पर बैठे हों, हमारे साथ 10-12 लोग हों, उनमें से 10-12 लोग हों, या ऐसे ऐसी जगह का किया जा रहा हो जहाँ पर 10-25 महिलाएं काम कर रही हैं और उनकी उम्र 45 वर्ष की हो गई हो, और साथ में उन्हीं महिलाओं के साथ जो पुरुष काम कर रहे हो जिनकी उम्र भी 45 वर्ष की हो गई हो, लेकिन उन महिलाओं को उनकी मजदूरी के प्रति कम आय दी गई और उन पुरुषों को अधिक आय दी गई। इससे हमें ये क्या सीख मिली दोनों से कि हमारी सत्ता का हनन हुआ, हमें बराबरी का अधिकार नहीं प्रदान किया गया, तो हमारे संविधान के अनुसार हमें या भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके अनुसार प्रत्येक भारतीय समान रहे, तो सत्ता का अधिकार ऐसे ही है। सत्ता के अधिकार में हमें और क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग जात आदि के आधार पर भेदभाव ना हो, नंबर 1, ये पॉइंट है सत्ता के अधिकार के अनुसार। क्या पॉइंट है इसके, किसी भी व्यक्ति के साथ चाहे वो किसी धर्म हो, चाहे चाहे व्यक्ति किसी भी जाति धार्मिक अधिकार प्रदान किए गए। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति
के धर्मों किसी भी व्यक्ति के धार्मिक अनुष्ठानों में दखल नहीं दे सकता। सभी व्यक्ति अपने अपने धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र है। इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी धर्म किसी एक विशेष धर्म को मान नहीं किया गया। सभी धर्मों को एक रूप से माना गया। भारतीय संविधान के अनुसार सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान सभी धर्मों को अपने द्वारा चुने गए सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता करता है। धार्मिक अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करने की हमें आजादी देता है। ये हमारा धार्मिक अधिकार हो गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान एक छूट देता है कि वो भी व्यक्ति चाहे किसी धर्म को अपनाए चाहे किसी स्थान पिता की पूजा करे वो उसकी स्वतंत्रता उसके धर्मों के धार्मिक चीजों के बीच में कोई उसे रोक टोक नहीं सकता। अगर कोई रोकता है तो उसका धार्मिक खनन होगा इसके अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। तो आज हमने दो अधिकार पढ़े उत्तर जाना। अब आप नेक्स्ट पार्ट में इसको डिटेल से और पढ़ेंगे। आज